movie, so so I have to say that. My Mr. Mother, for whom the sky is not. Wow. अमेरिका की जमीन पीएम मोदी के फैन मोमेंट का गवाह बनी। किसी रॉकस्टार की तरह पीएम के पहुंचने के पहले ही होटल के बाहर हजारों की भीड़ जुट चुकी थी। लोग कई कई घंटे ट्रेवल कर पीएम मोदी से मिलने उन्हें देखने न्यूयॉर्क पहुंचे थे। तो लग रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में एक बड़ी ताकतवर हस्ती के रूप में उभरा है, विश्व नेता के रूप में उभरा है, और ये जो उभार है ये यूं ही नहीं आया है, इसमें दशकों की मेहनत लगी है, और यही वजह है कि भारतीय इस मौके को नहीं चूकना चाहते। यहाँ पर 10-10 घंटे की ड्राइव करने के बाद भी लोग पहुँचे हुए हैं, 10-10 घंटे की फ्लाइंग करने के बाद यहाँ पर लोग अमेरिका के दूसरे हिस्सों से, दूसरे देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस एक झलक पाने के लिए पहुँचे हुए हैं। हमारा जो देश है ना, एक परिवार है, और मैं अपने परिवार के मुखिया से मिलने आई हूँ, और जब से वो हमारे परिवार के मुखिया बने हैं, देखे हमारे देश ने दिन दुगनी रात चौगनी करी है। पीएम मोदी की ये लोकप्रियता सिर्फ आम लोगों में है, ऐसा नहीं है। पीएम मोदी के लिए ये दीवानगी उन लोगों में भी है जो दुनिया के सितारे हैं, बेहद खास है। जैसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार एलोन मस्क। दुनिया के कई देशों की जीडीपी से ज्यादा पैसे मस्क की तिजोरी में है। टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात अहम थी क्योंकि मस्क दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार है, तो पीएम मोदी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का नेतृत्व करते हैं। मुलाकात के बाद मस्क पीएम मोदी के रंग में रंगे नजर आए। पीएम मोदी के जादू का असर मस्क पर कैसे दिखा, पहले ये खुद मस्क की जुबानी सुनिए। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies. And obviously, but in the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, you know, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. ये पीएम मोदी का जादू है जिसका असर एक मुलाकात के बाद ही एलोन मस्क पर दिखा। मुलाकात के बाद दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी मस्क ने कहा कि वो भारत में बड़े निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं। मस्क ने भारत में स्टारलिंक इंटरनेट लॉन्च करने की बात कही। मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी टेस्ला अगले साल भारत आ सकती है। मस्क ने खुद अगले साल भारत आने का ऐलान किया। I am planning to visit India next year. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. How soon will we see you in India? Next year, calendar. ये मोदी का ही जादू है कि महज 30 मिनट की मुलाकात में मस्क ने भारत आने और भारत में निवेश का ऐलान किया, जबकि दुनिया के कई मुल्क मस्क की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। इतना ही नहीं, मस्क ने इसरो के साथ स्पेस एक्स के समझौते की संभावना भी जताई। अगर ऐसा हुआ तो स्पेस के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हो सकती है। अंतरिक्ष में भारत की महारत और मस्क की स्पेस एक्स का मेल नए आयाम खोल सकता है। मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तकरीबन ये मुलाकात 30 मिनट से ज्यादा चली है, और एलन मस्क ने यह कहा मुलाकात बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। अगले साल वो भारत आने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्लानिंग के साथ उनकी भारत के साथ कई बहुत सारी प्लानिंग है। जाहिर तौर पर टेस्ला का भारत आना एक बहुत लंबे समय से बहुप्रतीक्षित मुद्दा है, जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। सिर्फ मस्क ही नहीं, न्यूयॉर्क में जिन हस्तियों से पीएम मोदी मिले उन सभी पर पीएम के मजबूत नेतृत्व और भारत के विकास के नजरिए का जादू देखने को मिला। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मिलने वालों में कई हस्तियां शामिल रहीं। पीएम से मिलने वालों में खगोल वैज्ञानिक नील डीग्रास टायसन, बौद्ध लेखक रॉबर्ट थुरमैन, एकेडमिक स्कॉलर प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब, इन्वेस्टर और लेखक रे डालियो, नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट पॉल रोमर, हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले कई एक्सपर्ट शामिल थे। मुलाकात के बाद हर शख्स की जुबान पर पीएम की तारीफ और भारत के सुनहरे भविष्य के लिए अल्फाज थे। I was delighted to spend time in the company of a head of state who is as scientifically thoughtful as
is Prime Minister Modi. I also commended India on the response to COVID and how, you know, India was very efficiently dealt with it, particularly with the food distribution and all of that. ये विश्व पटल पर नए भारत की मजबूत मौजूदगी का प्रमाण है। ये प्रमाण है कि दुनिया अब भारत की ओर देख रही है। वो तमाम दिग्गज जिनकी तरफ दुनिया टकटकी लगाए देखती है, वो भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भारत की पावर के मुरीद हैं और उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देख रहे हैं।